मुझसे कौन सवाल पूछ रहा था कि क्या क्या है। हाँ कौन मेरे से सवाल पूछा था बताओ, क्या सर मैं पूछ सवाल किया रहा था सर, ये जो ऊपर आपने जो 5.2 और 5 वोल्ट वगैरह ये जो लिखा है, और ये साइड में जो आपने 0.2 ये वाली जो चीज़ कराई है ना सर, ये बता दीजिए। मैं इसको अलग बना के बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि यहाँ के ऊपर एक फिक्स वोल्टेज आ गया है बाइसिंग के बाद। ठीक है, इस बाइसिंग वोल्ट का जो वोल्टेज है इसको मैंने कहा था कि ये 5 वोल्ट है। ठीक हो गया, इसकी मैंने वैल्यू लिख दी 5 वोल्ट। अब मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने एक साइन वेव दे दी है, और साइन वेव कैसी है? साइन वेव ऐसी है, सॉरी मैं से साइन वेव नहीं बनी, ये साइन वेव है क्योंकि जीरो पॉइंट 2 वोल्ट प्लस में जा रही और इसी तरह माइनस में 0.2। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। पर अब मैं अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या होगा? इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या होगा? ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, जब हम स्मॉल डायर अप्रोक्सीमेशन थे क्या होगा? जब ये इसमें प्लस होगा 0.2 तो ये प्लस होके कुछ इस तरह की शक्ल ले लेगा। ठीक है, तो ये प्लस वाला कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 5.2 वोल्ट। सर यानी जो 5 वोल्ट पहले से था वो स्ट्रेट लाइन में था, और जो हमने 0.2 वोल्ट अलग से दिया है वो हाँ, साइन वेव में था। वो साइन वेव में दिया। ये साइन वेव वाला जनरेटर है ना, ये साइन वेव वाला जनरेटर है जो 0.2 वोल्ट दे रहा है। तो ये, और हमने ये पहले पढ़ा था कि ये जो भी होता है ये जो भी वोल्टेज होगा ये प्लस माइनस एल्जेब्रिकली इसमें मिल जाएगा। तो प्लस 5 के अंदर जब ये 0.2 मिलेगा तो ये 5.2 चला जाएगा, और जब ये -0.2 मिलेगा तो क्या जाएगा? ओके चला जाएगा। ये चला जाएगा 4.8 वोल्ट।
रहेगा ये प्लस ही, ठीक है। लेकिन ये 4.2 वोल्ट्स पे रह जाएगा। और ठीक है, ये है मेरे पास इस तरह से 4.8 चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वेरी करने लगेगा, यहाँ पे वोल्टेज वेरी करने लगेगा, तो यहाँ पे करंट भी वेरी करने लगेगा, है ना। तो ये वैरी करने लगेगा, तो फिर इसका मतलब यहाँ का करंट भी वैरी करने लगेगा। यहाँ पर भी इसी तरह जो भी वोल्टेज होगा वीसी, उसमें प्लस 0.2 हो जाएगा और वीसी में से माइनस 0.2 हो जाएगा। अब समझ आ गई बहुत, बताओ। हाँ सर, थोड़ा क्लियर है। वैसे अभी प्रेजेंट लिख दिया तुम लोगों ने, लेकिन कौन लेट आया मुकर्रम साहब, थोड़ा सा ध्यान दे दो भैया। अच्छा, अब इसका मतलब ये वाला वैरी करेगा तो ये वाला भी वैरी करेगा, क्योंकि ये वाला वोल्टेज क्या होता है, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, ठीक है। तो अब ये सारे वैरी करने लगे, पहले स्टेबल हो गया था बायसिंग के बाद, अब सब में वेरिएशन आ गया। अब ये वेरिएशन जो है, ये यहाँ का जो वोल्टेज के ऊपर वेरिएशन है, ये करते हैं कि हम इस वेरिएशन को, ये जो वेरिएबल वोल्टेज है ना यहाँ पर, ये वीसी वाला, अब यही शेप यहाँ पर आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये वाली जो वोल्टेज वाली वोल्टेज यहां पर आ रही है, ठीक है। लेकिन ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, ये कैपेसिटर ये कर रहा है कि ये डीसी को तो यहाँ ब्लॉक कर लेता है और एसी को यहाँ से आगे जाने देता है, यानी यहाँ पर तो इसका शेप होगा वो यहाँ पर यहाँ पर डीसी रह जाएगा सर, और एसी जो है वो यहाँ बाहर आ जाएगा इस कैपेसिटर के अंदर, डीसी ब्लॉक हो जाएगा, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है, तो इसके बाहर सिर्फ एसी वोल्टेज आ जाएगा और इस रेजिस्टर के ऊपर सिर्फ एसी वोल्टेज होगा। और ये रेजिस्टर जो मेरा है, इसका नाम मैं रखता हूँ, और
लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस के बाद मेरे पास शटर ये वाली आएगी। मेरे लोड रेजिस्टेंस पे ये वाली शक्ल आ जाएगी। तो देखो जो मैंने सिग्नल इनपुट किया था जो यहाँ पे 0.2 का, ये मुझे बाहर मिल गया, ये मुझे बाहर मिल गया। किस तरह से? इसके ऊपर फ्लोट करता हुआ, जैसे कि हमने स्मॉल सिग्नल डायोड में देखा था कि 0.7 से छोटा सिग्नल डायोड में से पास नहीं हो सकता। तो हम क्या कर रहे थे, हम सुपरपोजिशन के जरिए उसको पास करा रहे थे कि इसी तरह एक डीसी वोल्टेज के ऊपर उसको लोड कर देते थे और उस पर राइट करता हुआ डायोड में से निकल जाता था। डायोड में से इसलिए निकल जाता था कि ये भी प्लस पार्ट है और ये भी प्लस पार्ट है, ये दोनों 0.7 से बड़े हैं, फिर दोनों निकल जाएंगे और फिर हम कैपेसिटर के जरिए ये बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये एम्पलीफाइड वर्जन मिलता है मुझे यहाँ पर इस नोड पर। वो किस तरह मिलता है उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा मैं पहले इस सेक्शन को देखूंगा, इस हाफ को देखूंगा जो कि मेरा इनपुट है, और फिर मैं इस हाफ को देखूंगा जो कि मेरा आउटपुट, राइट। अब मैं एनालाइज करूंगा इसको एसी के साथ। और जब मैंने पहले बात की थी कि जब हम सुपरपोजिशन को एनालाइज करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि एसी एनालिसिस के लिए, जब मैं एसी एनालिसिस करता हूँ सबसे पहले क्या करता हूँ, मेक ऑल डीसी वोल्टेजेस जीरो, या दूसरे शब्दों में ये ग्राउंड, ठीक है। अब एंड दो चीजें करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे अगर कोई कैपेसिटर आ रहा होता है तो उसको शॉर्ट कर देते हैं, जैसे ये कैपेसिटर आ रहा है इसको हम शॉर्ट कर देंगे, और ये जो डीसी वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज है इसको हम जीरो कर देंगे। अब इसको देखना है कि हम कैसे करते हैं। ये मेरा वो आधा ट्रांजिस्टर है, मैं दोबारा बनाने लगा हूँ। का मतलब मेरा यहाँ से एक सिग्नल आ रहा होगा, जो कि मेरा ट्रांसिस्टर के इनपुट यहाँ से एक सिग्नल आ रहा होगा जो कि मेरे ट्रांसिस्टर के एमिटर में जा रहा होगा। और ये एमिटर जो है ये कॉमन होगा यानी ग्राउंड होगा, सॉरी
ठीक है, ये कॉमन है ना, तो ये ग्राउंड है। अब यहां से देखो, इसी पॉइंट से ये रेजिस्टर निकल रहा है, ये रेजिस्टर निकल रहा है, और इस बैटरी को मैंने कर दिया शॉर्ट, इस बैटरी को जीरो कर दिया, यानी ग्राउंड पे चली गई है बैटरी। तो इसका मतलब ये रेजिस्टर जो यहाँ से निकल रहा है, ये भी ग्राउंड पे चली गई। मैं ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने कहा था ये कॉमन है और ये मेरा ग्राउंड है। थोड़ा सा गौर से देखो, अच्छा, और ये तो ग्राउंड है ही है। तो देखो क्या हो गया इसके अंदर, यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वो, उसको ये रेजिस्टर मिल रहा है, ये वाला रेजिस्टर, जो कि एक एंड यहाँ एमिटर से टाइड है, दूसरा एंड ग्राउंड हुआ हुआ है। ग्राउंड हुआ हुआ है इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि बैटरी को हमने शॉर्ट कर दिया, जीरो कर दिया, तो बैटरी शॉर्ट हो गई ग्राउंड पे। और ये एक मेरे पास डायोड आ गया, राइट, ठीक हो गई बात। और ये सिग्नल है तुम्हारा, इसका नाम है वी इन, इसका नाम है बीन, और इसका नाम है इसका नाम ठीक है। अब तुम्हें किसी को स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन याद है, जैसे हमने कहा था कि डायोड के अंदर से, ये देखो यहाँ पर ये जो डायोड बना हुआ है, ये अगर हम इसको गौर से देखें तो ये इस तरह का एक डायोड लगा हुआ है फॉरवर्ड में, है ना। ये एन पी जंक्शन है, जो कि एन पी जंक्शन, इस तरह से ये बेस का और एमिटर का नजर आ रहा है। जब हमने स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन देखा था, हमने कहा था कि जो स्मॉल सिग्नल होते हैं, जो कि 0.7 से छोटे सिग्नल होते हैं, उसमें ये एस डायोड बिहेव नहीं करता, बल्कि क्या बिहेव करता है, कोई बताएगा? ये एस रेजिस्टर बिहेव करता है। याद आया? और इस रेजिस्टर का हमने नाम दिया था आर टी आई डैश, याद आया? तो अब अगर मैं इस हवाले से देखूं, तो मेरे पास, मैं तो मिटाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ा देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है, इसका मतलब ये एक रजिस्टर है जो कि ग्राउंड हो रहा है। मैंने ये इसे आगे बढ़ाया, मैंने कहा यहाँ एक रजिस्टर है जिसका नाम आई डैश है, और वो ग्राउंड हो रहा है। बताओ अगर समझ नहीं आ रही ये बात, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तुम्हें इम्तिहान में तो समझानी ही होगी। और इसका नाम मैंने रखा था आरी डैश, ये यही सर्किट है, देखो यही सर्किट है। हम इसको एमिटर पे लगाए हुए हैं, यहाँ पर एक डायोड है, ये डायोड इस तरह से, लेकिन हम इसका बिहेवियर देखते हैं कि एज रेजिस्टर बिहेव कर रहा है। तो
ये इस तरह से बना दिया। अब आई डैश का मैंने एक फॉर्मूला भी उधर लगा, जो बता देगा उसके मैं 5 नंबर लगा दूंगा। वो फॉर्मूला बताओ, है कोई बता रहा है या मैं बता दूं? ये फॉर्मूला था 25 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू हमने कहा था कि जब भी हमें कैलकुलेट करनी होती है हम फॉर्मूला ठीक है। अब ये वी इन है, ये आर ई है और ये आर ई डैश है। अब ये पैरेलल में खड़े हुए दोनों, और ये वी इन का लोड ये पैरेलल में संभाल रहे हैं। ये बाकी 7-8 लोग टेनिस लगवा के भाग भी गए, बहुत अच्छा ही है। ठीक है, तो अब वी इन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस के ऊपर आ रहा है, ऐसे ही है ना? इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इन इक्वल टू बाहर आंधी वाली आ रही है तो भैया हो और चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये वी इन जो है, वी क्या होता है? आई इंटू आर होता है, यही होता है ना? और मैंने छोटा आई इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एसी करंट है। इसका मतलब ये क्या होगा? आई इंटू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर ई इन पैरेलल आर ई डैश। यहां तक समझ आ रही है? इसका मतलब वी इन होता है आई इंटू आर ई इन पैरेलल आर ई। अब यहाँ पे मेरा जो आर ई है ये इस आर ई से बहुत छोटा है। लेट्स सपोज कि ये 10K है तो ये सिर्फ 10 ओम है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा वी इन क्या हो जाएगा? और जब एक बहुत बड़ा रेजिस्टर होता है एक बहुत छोटा रेजिस्टर होता है तो छोटा वाला प्रीवील करता है, तो 10 वाला प्रीवील करेगा, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा आर ई डैश। तो मेरा फाइनल जो इसका आर ई बहुत बड़ा और आर ई बहुत छोटा, इन दोनों का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लूंगा तो वो तकरीबन आर ई के बराबर होगा। तो में से कोई ये अभी ये बैठा हुआ तो नहीं है शायद सामने, लेकिन उसको ये पता होगा कि ये अगर कैलकुलेटर से 10K को कैलकुलेट करे। अच्छा, तुम लोग भी दो जाने वाले हो, तभी प्रेजेंट लगाइए। इसके बाद भी एक सेशन है, अच्छा उसको ये खत्म हो तो वो ज्वाइन कर लेंगे। तो मेरे पास आर वी इन की वैल्यू ये आ गई। अब मैं देख रहा हूँ वी आउट, ये वाला सेक्शन देखता
ये वाला सेक्शन क्या है? ये वाला सेक्शन है कि यहाँ पर एक डायोड लगी हुई है वैसे ही, जिसका कि ये इसका ग्राउंड वो है, और ये हिस्सा जा रहा है एक ये रेजिस्टर जिसको हमने आर सी कहा था, आर सी में, और आर सी का दूसरा हिस्सा ग्राउंड हो गया क्योंकि ये बैटरी जीरो हो गई, शॉर्ट हो गई, तो मतलब यहाँ से आर सी ये ग्राउंड हो गया। और इसी जगह से कैपेसिटी ये शॉर्ट हो गया है, तो यहीं से एक और लोड रेजिस्टर भी निकल रहा है, तो यहाँ पर एक लोड रेजिस्टर, एक लोड रेजिस्टर ग्राउंड हो रहा है। तो इमेजिन कर सकते हैं इसको इस तरह से कि ये डायोड है, और ये डायोड क्या है मेरे पास, ये मेरे पास करंट सोर्स है, ये हमने पहले पढ़ा था शुरू में, और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास आर सी है, और ये मेरे पास आर एल है या लोड रेजिस्टर, ठीक है। तो अब ये करंट सोर्स क्या कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और करंट कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, आई ई प्रोड्यूस कर रहा है। मैं अगर देखूं कि मेरे पास वोल्टेज आउट क्या होगा, मेरे पास वोल्टेज आउट होगा, वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये आर सी और आर एल पैरेलल में, तो इसका मतलब आर सी इन पैरेलल विद आर एल, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन हो गया वी आउट का, आई जो कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कौन सा आई आ रहा है, यहाँ से आई ई आ रहा है जो कि आई सी के बराबर है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको आई ई लिख दूँ, ठीक है, और इसको मैं आई सी लिख देता हूँ, ये तो मेरे पास वी आउट ई आ रहा है। अब मेरे पास गेन क्या होती है, वी आउट समझ आ गया, मुझे नहीं लग रहा किसी को समझने से इंटरेस्ट है, ये तो मतलब क्लास से भी ज्यादा आजादी है। अब मेरे पास गेन क्या होती है, गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इक्वल टू इसको ए वी से जाहिर कर, ये क्या होती है, ये होती है वी आउट ओवर डिवाइड बाय वी इन। अगर मैं ये वाली वैल्यू से इसके अंदर पुट इन करूं तो क्या बनेगा, फिर मैं ये वाली गेम ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट इन करता हूं तो क्या बनेगा, ये वी आउट बनेगा आई ई या आई प्लस ठीक है, और दिस इज ओवर
this over what over I into RU. जब ये इनकी वैल्यू मैं पुट करने लगा तो वो आई आर ई डैश, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आई और आई तो दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक आईसी है और एक आई है, आईसी और आई दोनों बराबर है तो ये कट जाएंगे। तो फाइनल सिचुएशन तुम्हारे पास क्या आ गई, तुम्हारे पास आ गई आर सी इन पैरेलल विद आर एल एंड दिस होल डिवाइडेड बाय आर ई डैश। ये तुम्हारी जो टोटल गेन आ गई वो हमारे जो टोटल गेन आ गई वो क्या आ गई, ये तुम्हारा गेन जो तुम्हारी एम्पलीफिकेशन है। अब इसमें ये जो भी सिग्नल होगा जितना भी एम्पलीफाई होगा वो इस रेशियो से एम्पलीफाई होगा। ये तुम्हारा कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट है, कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट इस तरह काम करता है, इस तरह काम करता है। इसके इनपुट पे जो वी इन होती है वो उसके पैरामीटर ये होते हैं और जो वी आउट होती है उसके पैरामीटर ये होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ, ये और तीसरा ये, इस तरह से हमारा एम्पलीफायर एज एम्पलीफायर काम कर सकता है। और जो हमारा कॉमन बेस सर्किट होता है वो एस बैटरी चार्जर भी इस्तेमाल होता है या एस करंट सोर्स भी इस्तेमाल होता है और एज एम्पलीफायर भी इस्तेमाल होता है। एम्पलीफायर जब होता है तो उसकी गेन, गेन का मतलब है कि अगर यहाँ से 0.2 का सिग्नल आ रहा होगा और उसका गेन 100 होगा तो 0.2 इंटू 100 20 बन जाएगा, तो 20 वोल्ट्स का सिग्नल ये एम्पलीफाई करके देगा, ठीक है। अब कोई अगर सुन रहा था तो उसको पता होगा कि मैंने क्या कुछ बताया है ताकि ये फिर और जो नहीं सुन रहा होगा वो फिर हो सकता है कि रिकॉर्डिंग से देख के कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करे। ठीक है, हमने आज देख लिया कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक हो गया। अब क्योंकि मेरे ख्याल से मौसम सही नहीं है तो बहुत सारे लोगों के इंटरनेट कनेक्शन नहीं सही होंगे, तो मैं भी इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट टाइम हम फिर आगे से शुरू करेंगे कॉमन इमिटर से, राइट। अगर कोई है तो उसको बाकी लोगों को भी बता दे और ये भी बता दे कि नेक्स्ट क्लास इज ऑन सैटरडे the same time inshallah yeah sunday yes I will be so sakti tum decide kar tum jab tak allah hafiz allah hafiz